हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस फोजोन में। जी हाँ दोस्त, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और आई होप आप लोग से उम्मीद रहे या कि वीडियो आप लोगों को आज बहुत पसंद आने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत फायदे की। हमारे सभी दिव्यांग, हमारे जितने भी हैंडीकैप डिसेबल विकलांग पर्सन है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है और इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स बताने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट नौकरी है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को सरकार जॉब देने की कोशिश कर रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, बस छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट का। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए ऊपर को जरा हम स्टार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे UPSSSC नौकरिया 2019, यहाँ पे 1186 सहायक कनिष्ठ सहायक रिक्त वेतन, इसमें 20,200 है, इसमें ये बताया है। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1186 है। अब चलिए इसमें सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें दिव्यांग मतलब विकलांग लोगों का सीट इसमें कितना है, उन लोगों को इसमें कितना सीट मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको इसके बारे में बताने चल रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया, इसमें नोटिफिकेशन इसका हम चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं। टोटल डिटेल्स नोटिफिकेशन में होता है। ये हमारा नोटिफिकेशन खुल गया, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है। तो ये लखनऊ, इसमें जो जॉब लोकेशन है ये लखनऊ में होगा, आपका जॉब जो लगेगा लखनऊ में ही लगेगा। ओके, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति मतलब सिस्टम लागू है, ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन भेजते हैं तो नहीं किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे बता रहा है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है, पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उनका फ़ोटो तथा हस्ताक्षर लगेगा, अपलोड करना है, फ़ोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना है, और फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना मतलब जो फॉर्म का प्रक्रिया है, प्रोसेस को पूरा फिल करना है, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म मतलब जो फॉर्म उसके बाद जो बचता है उसको भरना है, उसमें डिटेल्स, फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ठीक है, और लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। तो ये सब कुछ करना, ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया है। चलिए, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है PWD वाले के लिए क्या है, ज़रा हम उसके बारे में एक बार थोड़ा डीप से हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। बस वीडियो छोटा है, आप लोग इत्मीनान से देखें, बस 2-3 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा और लंबा हम करना भी नहीं चाहते। देखिए दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें जो वैकेंसी है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दें हम, यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा क्लीन क्लीन विकलांग, ये विकलांग लोगों के लिए वैकेंसी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे विकलांग लोगों के लिए वैकेंसी, इसमें यहाँ पे देख लीजिए, दो ठो दिया है PB, दो ठो दिया है PD, दो ठो दिया है OL, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप मतलब यहाँ पे ये कैटेगरी है, ठीक है, तो ये कैटेगरी के हिसाब से इसमें है। और इसमें टोटल वैकेंसी हम आपको दिखा दें, यहाँ पे नीचे देखिए, यही लाइन वाला जो आपको दिख रहा है, यही जिसमें PD ODL लिखा है, यही विकलांग लोगों का है सीट पूरा। तो टोटल वैकेंसी हम आपको बता दें, 1100 कुछ में से टोटल वैकेंसी कितना है आप लोगों के लिए, तो इसमें हम थोड़ा ये अच्छा से डिटेल्स में बता दें आप लोगों को। देखिए इसमें टोटल जो वैकेंसी है डिसेबल पर्सन के लिए, इसमें 36 वैकेंसी PWD वाले के लिए है, और ये सबसे अच्छी मौका है आप लोग, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आपका पढ़ाई के एजुकेशन लेवल होना चाहिए, कम से कम 12 होना चाहिए, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके दोस्त, और ये एक बहुत ही अच्छा, और ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, और जो लोग हम उम्मीद करेंगे जो लोग UP से हैं स्पेशली, अगर जो PWD हैं उनको ये फॉर्म भरना चाहिए, और जो लोग भरना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई करें, अगर उनको कोई डाउट्स होता है, कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट्स करें, हम कमेंट्स का जवाब देंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 36 है विकलांग लोगों के लिए, हैंडीकैप पर्सन के लिए, और ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट नौकरी है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें ज़रा हम आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें जो फी लगने वाला है, जैसे कि इसमें अन्य पिछड़ा के लिए 160 रुपया है, और जो जनरल जाति के उनके 60 रुपया है, ठीक है,
और सूचित अनुसूचित जाति के 70-70 रुपया दिया है, लेकिन इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया में 25 रुपया, इसमें ऐसे करके इसमें टोटल 95 रुपया दिया है अनुसूचित अनुसूचित जाति को, ठीक है। और अनारक्षित मतलब जनरल वाले के लिए 185। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी लिंक हम वहाँ पर दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिएगा, ओके। और 5 नंबर में जो यहाँ पर दे रहा है कि विकलांग हेतु, विकलांग जन हेतु इसमें को जो है आवेदन शुल्क 0 इसमें बता रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया लगेगा आपको, ठीक है। तो इन लोगों के 185 कंपेयर में 25 रुपया हमारे ख्याल से 0 है। अगर आपको लगता है कि कुछ है तो फिर ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए 25 रुपया विकलांगजन के लिए है, तो 25 रुपये कोई मायने नहीं रखता है दोस्त। अगर आपकी ज़िंदगी की अगर इसमें सवाल है और अगर आपकी ज़िंदगी बनने वाली है तो 25 रुपये कोई मैटर नहीं करता है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी लाइक हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर जो लोग कैंडिडेट जो हमारे नए मेहमान अगर देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो, अगर आप लोग इस तरह का ढेर सारा मोटिवेशनल वीडियो, हेल्पफुल वीडियो, कागजाती वीडियो से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, हम इसी तरह के वीडियो बनाते हैं। और स्पेशली हम PWD के लिए वीडियो बनाते हैं, डिसेबल पर्सन के लिए। अगर आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्त।